इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं सेठी छाबड़ा परिवार निवासी गुवाहाटी एवं कोलकाता। श्री कबरीलाल जी सेठी एवं श्री सुमिरमल जी छाबड़ा की स्मृति में श्रीमती रतनमणि देवी सेठी, श्रीमती इंदिरा देवी छाबड़ा, श्रीमती प्रीति जैन, श्री सुरेंद्र जैन, सलोनी जैन, श्रीमती रिया जैन, श्री सिद्धांत जैन, श्री अजीत जैन, श्रीमती मोनिका जैन, आयुषी अर्णव, श्रीमती रितिका जैन, श्री विनीत जैन, विवान देवर्ष, पुत्री एवं दामाद श्रीमती ऋतु चूड़ीवाल, श्री सुधीर चूड़ीवाल, दोहित्र ऋषित हार्दिक, फर्म इंदिरा लॉजिस वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक पार्क गुवाहाटी असम, कंप्यूटर विजन वर्क्स विवरण घर गुवाहाटी, नवकार www.navkargroup.in, एल्यूमिनियम फोम वर्क प्रणाली कॉलम बॉक्स शटरिंग और वास्तु उत्पादों के निर्माता कोलकाता। आज की चर्चा आपके सामने लेकर आया हूं सुख के संबंध में, और तो और आज की चर्चा आपके संबंध में लेने का प्रयास कर रहा हूं। आज की चर्चा मेरी जो आपसे होने वाली है वो केवल आपकी ही है, बाहर की नहीं है, लेकिन हम उस चर्चा से अछूते रह गए। हम उस जो हमारी अंदर की विभूति है उससे हम अछूते रह गए। जो हमारे पास अपार समुद्र है उसको हम छोड़कर चुल्लू भर पानी में हम डूबते चले जा रहे हैं। हम बाह्य के पदार्थों में उन सुखों को खोजने का कष्ट कर रहे हैं। आज की चर्चा हमारी आपसे और आपके उस अनंत सुख से है, आप विचार करना। गुवाहाटी वाले सुखी हैं या दुखी हैं? सौधर्मिंद बोल रहे महाराज हम सुखी हैं। आप विचार करके रखना, कल एक व्यक्ति आकर मुझसे बोला महाराज जब तक आप नहीं आए थे तब तक तो दुखी थे, अब आपके आने से मुझे बहुत सुख मिलता है। मैंने काहे कहा, महाराज इतना सुख मिल रहा है कि घर के झगड़े बंद हो गए, सुबह से शाम आप बुला लेते हो झगड़े की फुर्सत नहीं है, इतना सुख हमारे पास। महाराज इतना सुख मिल रहा है, वैसे घर में जाएं तो एक रोटी दाल सब दाल सब्जी दोबारा मिलती नहीं है, और यहाँ आए तो बल्ले बल्ले हो जाती है, चौका लगाते हैं, आपको भी आहार देते और हम भी करते यहीं, इतना सुख है। ख्याल करके रखना, ये संसार के जो सुख हमें ढूंढ रखे हैं, जो मिल रखे हैं, वो सुख हमारे अनंत सुख में कारण बन रहे हैं कि नहीं? हमारे पंडित दौलतराम जी ने छैडाला में कहा, जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुखते भयवंत, ताते दुखहारी सुखकार, कहें सीख गुरु करुणाधार। अनंत अनंत जीव संसार में भरे पड़े हैं। आप ख्याल करना, आप लोग बड़े पुण्यशाली हो, बड़े सौभाग्यशाली हो कि मनुष्य पर्याय को पाया है आपने, नहीं तो एक इंद्रिय जीव भी इतने हैं, एक इंद्रिय पेड़ पौधे हैं, ये भी सुख की चाह रखते हैं। आप ख्याल करके रखना, पत्थर अग्नि ये भी सुख की चाह रखते हैं, जानवर पशु भी सुख की चाह रखते हैं। और बड़ा दुख होता है आज मणिपुर की हालत को देखकर, वो लोग भी सुख रखते चाहते हैं। ख्याल करके रखना, मणिपुर की हालत को देखकर इतना अंदर से आत्मा रोने लगती है कि वो सब सुख चाहते हैं लेकिन दूसरों को दुखी कर सुख चाहते हैं। एक बात का हमेशा ख्याल रखना, जो लोग दूसरों को दुखी करेंगे वो कभी सुखी हो नहीं सकते। जो लोग दूसरों को दुख देने का प्रयास करेंगे वो सुखी हो नहीं सकते। अनंत अनंत जीव संसार में केवल सुख ही चाहते हैं। कोई भी दुख के लिए कोई काम करता है? संसार में आप भोजन कर रहे हो तो सुख के लिए कर रहे हो, व्यापार कर रहे हो तो सुख के लिए कर रहे हो, गाड़ी चला रहे हो तो सुख के लिए चला रहे हो, और तो और आप यहाँ आए हो तो काय के लिए?
सुख के लिए। आप विचार करके रखना, संसार में कोई भी व्यक्ति दुख के लिए नहीं आया। आरआर फॉर्म के लोग आ रहे हैं, हमारे पोखराज जी बैठे, उनकी पूरी टीम भी आती, रोज दर्शन करने आती है। केवल एक ही महाराज का हंसता चेहरा दिख जाए और कुछ नहीं चाहिए हमें, ख्याल करना। मुझे कई बार तो ये लगता है महावीर भाई कि मैं ठीक हूँ या नहीं हूँ, लेकिन आप लोग आकर मेरे हंसते मुस्कुराते चेहरे को देख लेते हो तो लगता है कि मैं ठीक हो रहा हूँ। ये सुख मुझे मिल जाता है कि आपको लगता है, और मेरा उदास चेहरा देखकर आपको लगता है कि गड़बड़ है। और वास्तव में मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि जो शुभ हम सब सुख के लिए कर रहे हैं, और सुख के लिए करने के बाद भी दुखी क्यों हो रहे हैं, उसका कारण दो तीन कारण है। ज़्यादा कारण नहीं बताऊँगा मैं आपको, दो तीन कारण बताऊँगा। हम सबको संसार में सुख चाहते हैं, सुख को ढूंढने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन फिर भी दुखी क्यों हो रहे हैं, उसका पहला रीजन है अपेक्षा। हम जितनी जितनी अपेक्षाएं रखते हैं उतना ज़्यादा दुखी होते हैं, ख्याल करो। हमारे युवा बच्चे भी सुनते हैं, रविवार को तुभ्यम बैठा है, प्रशांत भी बैठा है, आप विचार करना, युवा लोग भी सुनते हैं तो हमें लगता है कि आज वो भी चाहते हैं कि मुझे अंतरंग की उपलब्धि प्राप्त हो। सबसे पहले अगर आपको संसार में सुखी होना है तो अपेक्षाएँ कम करो। आपकी जितनी जिससे ज़्यादा अपेक्षा होगी, और अपेक्षा की जब उपेक्षा होगी तो आप समझ के रखना दुखी होना प्रारंभ हो जाओगे। अपेक्षाएं कम, परिवार से अपेक्षाएं कम, व्यापार से अपेक्षाएं कम, संसार के लोगों से अपेक्षाएं कम, शरीर से भी अपेक्षाएं कम, क्योंकि शरीर को बहुत खिलाते हो पिलाते हो कि शरीर मेरा काम आएगा, लेकिन जिस दिन ये शरीर कोई बीमारी से ग्रसित होता है तो फिर ये तुम्हारी अपेक्षा की उपेक्षा करता है। अपनी अपेक्षाएं कम करो, महत्वाकांक्षाएं कम करो, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। ख्याल करना, सुखी होने के लिए सबसे पहले जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, इतना सिद्धांत अपने मन में लाने का प्रयास करो। नहीं तो स्थिति ये है, दाम बिना निर्धन दुखी, बोलो ना, तृष्णा वस धनवान, और कहूँ ना सुख संसार में सब जग देखो। ख्याल करना, एक जो तृष्णा का जो गड्ढा है ना, वो कभी भरने वाला नहीं है, तृष्णा का गड्ढा भरता नहीं है। वो एक इच्छा पूरी होगी, दूसरी इच्छा तैयार, एक हम अपनी मन की संतुष्टि करेंगे, दूसरी इच्छाएं तैयार। जितनी मन की इच्छाओं को पूरी करोगे उतना और इच्छाएं जागृत होंगी, इसलिए मन की इच्छाओं को पूरा करने का प्रयास मत करो, मन की इच्छाओं को समझाने का प्रयास करो। जो इच्छा तुम्हारी संसार में कारण है, जो इच्छा तुम्हारे संसार में दुख में कारण है, उन इच्छाओं को समझाकर अलग साइड में रख दो। और जिन इच्छाओं से मुझे सुख मिलता है, जहाँ से मुझे आत्मिक आनंद मिलता है, जहाँ से मुझे और अपने जीवन में अंदर की उपलब्धि मिलती है, उसे पूरी करने का प्रयास करो। बाह्य जगत कुछ अलग है, अंदर जगत कुछ अलग है। बाह्य जगत कहता है कि पदार्थ में सुख है, लेकिन अंदर का जगत कहता है पदार्थ में सुख नहीं है। पदार्थ में सुख होता, परिवार में सुख होता, संसार में सुख होता, तो हमारे तीर्थंकरों को छोड़ना क्यों पड़ता, क्या कमी थी उनके पास। ख्याल करके रखना, पदार्थ में, संसार में, परिवार में सुख होता, हाँ थोड़ा क्षणिक सुख मिलता तो है, जब कोई शादी करके आता है तो थोड़ा सुख मिलता है। शुरू शुरू में वो बोलते हैं हमारे पतिदेव हैं हस्बैंड, जो हंस के हो गए बैंड, हाँ उसका नाम हस्बैंड। थोड़ी देर सुख मिलता है,
लेकिन थोड़ी देर के बाद हमें ये आश्चर्य लगता है, आज हम सुख के लिए लाते हैं वो ही पदार्थ से पर हम दुखी क्यों होते हैं। संसार में गाड़ी हम सुख के लिए लाए थे, लाड़ी हम सुख के लिए लाए थे, बाड़ी हमने सुख के लिए बनाई थी, लेकिन उन्हीं से दुख क्यों? क्योंकि उनमें सुख है ही नहीं, सुखाभास। संसार की चीजों में सुख नहीं है, सुखाभास है, लेकिन संसार जीने के लिए उनके साथ रहना पड़ता है, जीवन जीना पड़ता है, जीवन में सब कुछ करना पड़ता है। लेकिन एक चीज अपने अंदर और लेकर आओ, इतना ही लेकर आओ कि आप अपने आप में पर्याप्त होने का प्रयास करो। जब तक हम दूसरों पर डिपेंड रहेंगे, जब तक हम दूसरों से इच्छाओं को पूर्ति करते रहेंगे, जब तक हम संसार में दूसरों के माध्यम से अपने आप को सुखी करते रहेंगे, तब तक हम दुखी रहेंगे। कोई तुम्हें सुखी और दुखी नहीं कर सकता। हम अपनी मानसिकताओं को बना के रखे हैं, उसने हमें अच्छे शब्द बोल दिए तो हम सुखी हो गए, उसने खराब बोल दिया तो हम दुखी हो गए। उसने कुछ भी बोला हो, तुमने लिया ही क्यों? अगर उसने तुम्हारे बारे में अच्छा बोला और तुम सुखी हो रहे हो तो बुरा बोलने के बाद तुम दुखी भी होगे। आश्चर्य की बात तो तब होती है, आदमी 90% जीवन अपना अपने हिसाब से नहीं जी रहा है, दूसरों के हिसाब से जीने का प्रयास कर रहा है। और जो आदमी दूसरों के हिसाब से अपने जीवन को जीता है वो कैसे सुखी होगा? क्योंकि आपकी प्रवृत्ति अलग है और दूसरे की प्रवृत्ति अलग है। हम अपनी प्रवृत्ति को देखते नहीं, अपनी प्रकृति को देखते नहीं, दूसरों की प्रकृतियों से अपने आप को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ख्याल करना, अपने जीवन के उस अनंत सुख को पाने का प्रयास करो। सुख बाहर नहीं है, पदार्थों में सुख नहीं है, क्योंकि पदार्थों में सुख हमने बहुत बार पाने का प्रयास किया, पदार्थों का सुख हमने बहुत बार लेने का प्रयास किया, लेकिन थोड़ी देर में वो ही सुख दुख में परिवर्तित हो जाता है। ख्याल करो, यहां आप लोग आए हो, आपने आकर साधु के प्रवचन सुख नए हो, और प्रवचन सुनते सुनते आपके मन के अनुकूल कोई बात हमने कह दी, आपको लगता है मुझे आनंद आ गया। और अगर मन के विपरीत कोई बात हो गई तो मन को ऐसा लगता है कि ये बात ठीक नहीं है। सुख और दुख कहाँ है? मन के अंदर ही डिपेंड है। इसलिए हमने बाह्य वस्तुओं में सुख खोजने की कोशिश की, बाह्य वस्तुओं में नहीं, अपने आप में सुख खोजने का प्रयास करो। तुम्हारे पास अनंत अनंत सुख है, तुम्हारे पास अनंत अनंत उपलब्धियां हैं, तुम्हारे पास अनंत अनंत जीवन है, लेकिन उसमें हमने रस नहीं लिया। जब तक बाह्य पदार्थों में, बाह्य लोगों में, बाह्य व्यक्तियों में, बाह्य की क्रियाओं में, बाह्य के वस्तुओं में हम सुख खोजते रहेंगे, वो सुख थोड़े समय तक तो साथ देगा, उसके बाद दुख में परिवर्तित हो जाएगा। संसार का जो सबसे बड़ा दुख है उसको समझो। हमारे आचार्यों ने कहा है संसार का सबसे बड़ा दुख मिथ्यात् का है, मिथ्यात् का सबसे बड़ा दुख है। मिथ्यात् का मतलब है जो हम संसार में अपने इस अमूल जैन धर्म को छोड़कर, हम संसार में इस कीमती जैन धर्म को छोड़कर अन्य किसी धर्म में या अन्य किसी जगह पर अपनी श्रद्धाओं को समर्पित कर देते हैं। ख्याल करना, भगवान मानने में और भगवान के प्रति श्रद्धा करने में बड़ा अंतर है। हम हर जगह जाते हैं, लेकिन एक बार का अपने मन में विचार करके रखना, मिथ्यात् रूपी दुख अगर आपके पास है तो अनंत अनंत काल तक जन्म मरण के बंधनों में भटकते रहोगे, और अगर सम्यक रूपी सुख प्राप्त हो गया ना, तो आचार्यों ने कह दिया सम्यक दर्शन के साथ अगर नरक भी मिल जाए तो भी अच्छा है, और सम्यक दर्शन से रहित अगर स्वर्ग भी मिल जाए तो कोई किसी काम का नहीं।
सोने का सिक्का हमारा कीचड़ में भी पड़ा हो कीमत कम नहीं होगी, और लोहे का सिक्का तिजोरी में रख लो कीमत बढ़ने वाली नहीं है। ख्याल करना, तुम अपने सुख को समझने का प्रयास करो, अनंत अनंत सुख है तुम्हारे पास। वैसे तो चाणक्य ने कहा कि संसार में दो ही सुखी हैं। चाणक्य से पूछा गया कि संसार में कितने लोग सुखी हैं, तो चाणक्य ने कहा संसार में दो ही सुखी, एक ज्ञानी और दूसरा पागल। ज्ञानी को सुख इस बात का है कि संसार में जो चल रहा है वो मुझे मालूम है, इसमें कोई सार नहीं है, और पागल को कुछ भी चलता रहे उससे कोई दुख होने वाला नहीं है। ख्याल करो, हम ज्ञानी बन जाएं या पागल हो जाएं तो सुखी हो सकते, ना तो हम पूरे ज्ञानी हो पा रहे हैं और ना हम पूरे पागल हो पा रहे हैं। ख्याल करके रखना, अब मैं तुम्हें पागल करने तो आया नहीं हूँ, बस ज्ञानी बनाने आया हूँ। इतना ही ख्याल करना गुवाहाटी वालों, मैं तुम्हें पागल करने नहीं आया हूँ, मैं तुम्हें ज्ञानी बनाने आया हूँ। और एक बार ज्ञान अगर तुम्हारे पास आ गया, इतना ज्ञान आ जाना चाहिए, जो कुछ हमारे पास हमारे साथ हो रहा है वो सब मेरे ही किए कराए का फल है, कोई और बाहर का नहीं है। ये अंदर से एक बार एहसास करो, आज तुम्हारे पास बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, आज तुम्हारे पास बड़े बड़े मकान हैं, बड़े बड़े कारखाने हैं, बड़े बड़े पेट्रोल पंप हैं, बड़े बड़ी गाड़ियां घोड़े घूम रहे हैं, तो आपने कभी पूर्व में ऐसा किया होगा। आज तुम्हारा हर कोई सम्मान करता है, जब भी कोई आ जाता है तुम्हारा सम्मान, तुमने सम्मान दिया होगा इसलिए तुम्हारा सम्मान हो रहा है। आज तुम्हें वो पदार्थों से सुख मिल रहा है तो समझ के रखना वो सुख तुमने दिया होगा इसलिए तुम्हें सुख मिल रहा है। एक बात आपसे और कहना चाहूँगा, आजकल की मानसिकताओं में सुख क्या है? आजकल की मानसिकताएं बड़ी ऊंची हो गई, खराब हो गई। क्या हो गया? आजकल में आदमी अपने सुखी से सुखी नहीं है, आजकल का आदमी अपने दुख से दुखी नहीं है, आजकल का आदमी, सुरेंद्र जी माही भाई के बगल में बैठे हैं वो समझ रहे हैं, आजकल का आदमी अपने दुख से दुखी नहीं है। कैसे दुखी है? पड़ोसी के सुखी होने से दुखी है। बिजू भाई, पड़ोसी को अगर सुख मिल जाता है तो आदमी को इतना दुख होता है कि हमारा सारा सुख चला गया। घर घर की कहानी है, देवरानी और जिठानी घर में रह रही हों और देवरानी और जिठानी में अगर जिठानी को सासू ने कोई बात कह दी, देवरानी सोचती आज तो दिवाली हो गई, क्योंकि ये जिठानी हमेशा अपनी चलाती थी, आज मजा आया इसको बोला है हमारी सासू ने। भाई बहन घर में रहते हैं दोनों, विचार करके रखना, जो तुम्हारे पास सुख है उस सुख का अनुभव नहीं ले रहे हो। भाई बहन दोनों हैं और बहन को डांट पड़ जाए तो भाई खुश और भाई को डांट पड़ जाए तो बहन खुश, काय में खुशी ढूंढ रहे हो? अपने पास तुम्हारी खुशी है वो तुम ढूंढ नहीं रहे हो, दूसरों के दुख में तुम अपनी खुशी ढूंढते हो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्थक थे सेठी छाबड़ा परिवार निवासी गुवाहाटी एवं कोलकाता, श्री कबरीलाल जी सेठी एवं श्री सुमिर मलजी छाबड़ा की स्मृति में श्रीमती रतनमणि देवी सेठी, श्रीमती इंदिरा देवी छाबड़ा, श्रीमती प्रीति जैन, श्री सुरेंद्र जैन, सलोनी जैन, श्रीमती रिया जैन, श्री सिद्धांत जैन, श्री अजीत जैन, श्रीमती मोनिका जैन, आयुषी अर्णव, श्रीमती रितिका जैन, श्री विनीत जैन, विवान देवर्ष, पुत्री एवं दामाद श्रीमती ऋतु चूड़ीवाल, श्री सुधीर चूड़ीवाल, दोहित्र ऋषित हार्दिक, फर्म इंदिरा लॉजिस वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक पार्क गुवाहाटी असम, कंप्यूटर विजन वर्क्स विवरण घर गुवाहाटी, नवकार www.navkargroup.in, एल्यूमिनियम फोम वर्क प्रणाली
कॉलम बॉक्स, शटरिंग और वास्तु उत्पादों के निर्माता कोलकाता।